यूपी और दूसरे प्रदेश के लगभग 40 अफसरों को उक्त युवक लाखों रुपए की चपत लगा चुका है। आरोपी युवक ने कई जिले के डीएम, एसपी, सीएमओ, एक्साइज अधिकारी व अन्य अधिकारियों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी लखनऊ सचिवालय के बाहर 3 साल तक चाय बेचता था, जो कि आज कौसाम्बी पुलिस के हाथे चढ़ गया। आरोपी युवक टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल व सीआईडी जैसे टीवी सीरियल देख अधिकारियों को ठगने का तरीका अपनाया था। कई राज्यों में तलाशने के बाद जिला मुख्यालय के नजदीक कादीपुर गांव के पास से जिले की साइबर सेल इंटेलिजेंस विंग टीम एवं मंजनपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिनंदन ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। कौसाम्बी जनपद से राजकुमार की रिपोर्ट। सचिवालय के बाहर चाय भी बेचा है उस और इसका कहना था कि इसने कोई मुख्यमंत्री राहत कोष से भी कुछ पैसे के लिए ये कई बार चक्कर लगाया है। टीम गई अमेठी और प्रतापगढ़ भी गई थी। प्रतापगढ़ में इसने एक पर्टिकुलर सिम डीलर है, उससे इसने 2 सिम भी लिए थे और भी ज्यादा सिम लिए। अभी ये बता रहा है कि इसने 2 सिम लिए थे। देखिए, एक कौशाम्बी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक व्यक्ति अरविंद कुमार मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा, ये व्यक्ति अपना नाम पंकज सिंह करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने आप को ओएसडी बताता था और जिले के अधिकारियों को ये फ़ोन करता था और उनसे किसी न किसी कारण को लेकर पैसे मांगता था। कई सारे अधिकारियों को इसने इस तरह से उनसे पैसे लिए हैं और कईयों से उसने कॉल किया है। उसकी सारी डिटेल्स हम लोगों को मिली हैं। इसके पास से कई सारी डायरियाँ मिली हैं जिसमें उन सभी लोगों की डिटेल्स मौजूद हैं। ये व्यक्ति अमेठी का रहने वाला है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में जाके अपने क्राइम को अंजाम देता था। इसको हमारी साइबर और सर्विलांस टीम ने मिलकर इसको पकड़ा है और इसके लिए मैं अपनी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहा हूँ। आगे इस चीज़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि जो व्यक्ति शासन की छवि को धूमिल कर रहा था, इसके और भी कुछ लोग मेम्बर्स हैं कि नहीं इसके साथ, और इस और किस तरह के अपराध इसने किए हैं, वो सारी चीज़ों की छानबीन की जा रही है और इस मामले को हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं। ये कहाँ से इंस्पायर होकर इस तरह के अपराध को अंजाम दिए? इसका कहना है कि क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखता था और वहीं के एक सीआईडी में ही एक किरदार है पंकज, जिससे कि प्रभावित होकर इसने अपना नाम पंकज सिंह रखा। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना निडर है कि ये अपने आप को सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी का ओएसडी बताता है और सभी अधिकारियों की डिटेल्स इसके पास हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ये अधिकारियों को फ़ोन करता है और उससे पैसे लेता है। तो उन सभी लोगों के बयान लिए जाएंगे, सभी से बात किया जाएगा और इस मामले में इसको सजा हो, कठोर से कठोर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास से कई सारी चेकबुक्स बरामद हुई हैं, कुछ डायरियाँ बरामद हुई हैं, इसके अकाउंट वगैरह की डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं और कुछ होटल की रिसीट्स वगैरह भी मिली हैं जहाँ पर ये रुकता था और वहीं से ये घटना को अंजाम देता था। क्या सर राम मंदिर नाम की कुछ वसूली? ये भी आया है सामने कि कुछ लोगों से इसने इस नाम से भी पैसे लेने का प्रयास किया है और उस चीज़ को भी हम कंफर्म कर रहे हैं और आगे उस चीज़ को डेवलप करेंगे।